हाय दोस्तों, कैसे हैं? आज एक ऐसा शेयर लेके आया हूँ जो लॉन्ग टर्म के लिए है और आपके पोर्टफोलियो में अगर ये हो तो धमाल मचा सकता है। तो उस शेयर का नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट, और आपको मैं अगर उसके बारे में बताऊँ तो ऑलरेडी आप इसके बिजनेस को देखेंगे। एवेन्यू सुपरमार्ट है ये, इसके अगर बिजनेस को देखें तो ये क्या करता है, किस चीज़ में है, तो सबको मालूम है ये रिटेल सेक्टर में है और ये डी मार्ट जैसे स्टोर कैटेगरी बना करके और अच्छा खासा इनका डी मार्ट का भी रिटेल चेन का बिजनेस है। ये है इनके बारे में, अगर आप इसको देखना चाहें तो यहाँ पे देखिए, ये अब डी मार्ट खोलते और ये सारे सामान का इन्होंने सेल करते हैं। अभी रिसेंटली आप देखेंगे तो इनके बिजनेस में भी ये लिखा गया है कि इनके पास अभी जो है 160 स्टोर है आज के डेट में, जो 30 सितंबर का इन्होंने फाइनेंशियल दिया है उसमें बताया राधाकृष्ण धवानी जी ने कि इसका जो फाइनेंशियल है उन्होंने सीईओ ने बताया कि 160 स्टोर है और एरिया 5.1 मिलियन स्क्वायर फीट अक्रॉस है जहाँ बिजनेस कर रहे हैं, और बिजनेस कर रहे हैं महाराष्ट्र, गुजरात, दमन, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। एक्चुअली मैं सोचा इसके बारे में क्यों बताना आपको, ये क्या ऐसा करता है। ऐसे ही टाइप का सुपर मार्ट होता है, ऐसे बिजनेस होता है। ये देखिए सुपर मार्ट जैसे हाइपर मार्ट होता है, ऐसे बिजनेसेस हैं इनके, ऐसे स्टोर हैं जहाँ पे ये बिजनेसेस करते हैं, तो हाइपर मार्ट टाइप का बिजनेस है तो यहाँ पे बिजनेस करते हैं। अभी अगर मैं आपको बताऊँ तो देखिए, एक्चुअल में ये कंपनी है जो कि फर्स्ट फाउंडेड हुई थी 15 मई 2002 को, आज से 16 साल पहले, और पहला डी मार्ट खुला था इनका पवई में खुला था। ये देखेंगे जो पवई में पहला डी मार्ट खुला था ये यहाँ पे शो भी किया गया है। और आज के डेट में देखेंगे जिसके पास, जैसे आपको पहले बताया, 160 स्टोर हो चुका है और ये अक्रॉस द महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, नेशनल कैपिटल दिल्ली, तमिलनाडु, कर्नाटका, पंजाब, तो ये सब सब जगह यहाँ पे इनका बिजनेस है, हो चुका है। और अभी तो थोड़ा इनका जो मार्केट कैप है, अब यहाँ पे 95,000 करोड़ है, 33rd रैंक बताया गया है, क्योंकि थोड़ा घटा है, अभी गिरा है शेयर। तो अब मार्केट कैप देखेंगे लगभग इसका, तो अभी आपको एट्टी फाइव एट्टी टू के आसपास आपको दिखेगा यहाँ पे, जो इसका मार्केट कैप दिखेगा आपको यहाँ पे, देखिए मार्केट 87.80, और डिलीवरी परसेंटेज देखेंगे इसमें तो अच्छा खासा 30% हो रहा है। दो इसकी वैल्यू मतलब कि समझे, यहाँ से हो सकता है ये आपको थोड़ा नीचे दिख जाए आपको, और जो लो इसने वापस एक बार अभी रिसेंटली बनाया था 1060 से, तो बना आपको वापस आपको देखे, और ये 2000 तक के टारगेट को आपको दिखा सकता है यहाँ से। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि ये इसको समझिए, पहले इसके बिजनेस को समझिए, अगर आप समझेंगे तो आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे ये आदमी कौन है। ये राधा जो दमानी साहब हैं, ये हैं डी मार्ट के जो ओनर हैं, और इनके बारे में अभी मीडिया में जो आया है, आप टॉप रैंकिंग में देखेंगे तो देखिए इनका जो टॉप रैंकिंग आता है, टॉप 10 इंडियन बिजनेस इन 2018, उसमें जो आप देखेंगे 8वें नंबर पोजीशन है राधा कृष्ण धमानी जी, और इनके बारे में क्या लिखा है आप खुद ही पढ़ लीजिए, आप खुद पढ़िए यहाँ पे। तो राधा कृष्ण धमानी जी वेटरन इन्वेस्टर हु ओन्स ए सुपर मार्ट के चेन, इनका जो डी मार्ट है सुपर चेन मार्ट के नाम से जानते हैं। 12th रैंक अमंग द रिचेस्ट इंडियन बिजनेस पर्सनैलिटी इन द 2017 फोर्ब्स लिस्ट विद द नेटवर्थ ऑफ 9.3 बिलियन। 2017 में 12वें रैंक पे थे। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट फोर्ब्स लिस्ट ही स्टैंड 8 नंबर विद 10 बिलियंस अमंग द रिचेस्ट इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ 2018, एंड ये 2018 के अनुसार 8वें पोजिशन पे हैं। ऑक्यूपाइज द 151 पोजिशन इन द फोर्ब्स ग्लोबल लिस्ट ऑफ 2208 बिलियनर्स, और बिलियनर्स की बात करें वर्ल्ड वाइड में तो 191 पोजीशन पे है। ये तो है राधा कृष्ण धवानी जी का वेल्थ स्टेटस। लेकिन जैसा ये वेल्थ बनाते हैं वैसा ये वेल्थ दूसरे के लिए भी क्रिएट करते हैं, और उनका ये विजन है कि सिर्फ अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी वैल्यू एडिशन करें, और वैल्यू वैल्यू एडिशन करके कैसे बन सकते हैं। तो ये जो कुछ अपने थीम है जिस पे काम करते हैं, और उसमें से सबसे ज़्यादा इनका जो है, जो इथिक्स जिस पे ये काम करते हैं वो है वैल्यू एडिशन, और ये खुद ही एक रिचेस्ट पर्सन है तो ये अच्छा खासा जानते हैं कि कैसे बिजनेस को किया जाता है।
अब लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट देखे तो ये जो डिक्लेयर किए हैं, खुद ही डिक्लेयर किए हैं कि इसका जो है 40% से इसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट बढ़ा है, और पैट जो बढ़ा है वो 18.2% से बढ़ा हुआ है। तो फाइनेंशियल जब हम देखेंगे तो आपको बता देंगे फाइनेंशियल कैसा है। आज की जो क्लोजिंग हुई है ये अभी आप देखेंगे 1406 रुपये पे क्लोजिंग हुआ है। और ईपीएस अगर देखें तो अभी जो इसका ईपीएस देखेंगे तो ये ईयर मार्च 18 के ईयर बेसिस पे देखें तो इसका ईपीएस कैसे बढ़ रहा है वो देखिए। इसका 3.85 से 5.6, 5.6 से 8, 8 के बाद 12, और इस बार ऑलरेडी इसका देखेंगे ईपीएस तो 8 क्रॉस कर चुका है और 2 क्वार्टर अभी आने को बाकी है। 2 क्वार्टर अगर आएगा भी और 16 हो जाता है तो अच्छा खासा ईपीएस यहाँ से गेन, इसको 8 का डबल 16 होने को चांसेस है। अगर दूसरा आप रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखें, रिटर्न इक्विटी 16%, वो खराब तो है नहीं। और कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए, रिटर्न ऑन जो कि इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पर जो रिटर्न है वो 155%। एसेट टर्नओवर रेशियो एक बहुत बड़ा चीज होता है कि जो ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके कितने परसेंट, तो 200% तो इसका इनका रिटर्न है। 300% का लिए जो भी इन्वेस्टमेंट है उसका 300% ये टर्नओवर कर रहे हैं। तो अब अगर 100 रुपये लगाते हैं, 300 रुपये का टर्नओवर करते हैं तो आपकी प्रॉफिट मार्जिन तो बढ़नी ही बढ़नी है। और यहाँ पे मार्च एंड में जो 83,000 का दिखा रहा था मार्केट कैप, अभी बढ़ गया है। और इसकी बुक वैल्यू आप देखेंगे तो 74 दिखा रहा है, तो प्राइस ऑफ बुक वैल्यू 17 ऑफ प्राइस मिल रहा है आपको, 17-18 के बुक वैल्यू पे आपको ये मिल रहा है। तो ये कोई ख़राब नहीं है, यहाँ आप चाहें तो इसको बुक वैल्यू के आधार पे भी जज कर सकते हो तो ख़राब नहीं है। हाँ, आपको थोड़ा ये नीचे मिल जाएगा, मुझे आपको हर इसको SIP टाइप का करना चाहिए आपको, और इसको 5-5 हज़ार रुपये लगा करके आपको इसके शेयर को हर महीने बाय करना चाहिए। अब यहाँ पे सेंटीमेंट में 50% बाय है लोगों ने कहा है, और 19 नवंबर को इसने 50 डेज मूविंग एवरेज को 1390 को क्रॉस किया है, तो मूविंग एवरेज को भी क्रॉस कर रहा है, अच्छी बात है। और बुक वैल्यू आपको देखिए यहाँ पे 74.82 है, तो 18 के बुक वैल्यू पे है। डिलीवरी आपको 30% बताई दी है। इंडस्ट्री पी 138 है, इसकी जो पी है वो आपको लगभग 99 के पी पे काम कर रही है जो कि थोड़ा हाई है। इंडस्ट्री पी 138 है, ठीक है, इसके परसेंट से चलेगा। डिलीवरी 30% है। तो अगर हम आपको यहाँ पे बाइंग की पोजीशन भी, जियोजित फाइनेंशियल ने 1513 के टारगेट से ये रिसेंट दिए, 16 अक्टूबर को बाई किया था। 1 मिनट एवेन्यू सुपरमार्ट टारगेट और रुपये जियोजित फाइनेंशियल ने रिकमेंड किया बाइंग का 1513 से, उनका अपना कैलकुलेशन है। शेयर होल्डिंग पैटर्न, अगर आप शेयर होल्डिंग परसेंट अगर पैटर्न देखना चाहें आप, तो इन्होंने अभी शेयर होल्डिंग, चूँकि RBI के रूल के अनुसार इन्होंने थोड़ा परसेंटेज घटाया था क्योंकि उनको उतना घटाना था, फिर भी 81% खुद होल्ड कर रहे हैं। अगर प्रमोटर होकर, प्रमोटर के पास 81% होल्डिंग है। और अगर इधर म्यूचुअल फंड देखे तो देखिए एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI, तो ऐसे ऐसे अच्छे फंड हाउस के पास है और खुद प्रमोटर के पास 81% है। और आप समझिए जो धवानी साहब हैं हमारे, अगर वो खुद ही एक बहुत बड़े ये हैं शेयर मार्केट में, पहले इन्वेस्टमेंट किया हुआ हर्षद मेहता के टाइम से इन्वेस्टमेंट किया हुआ है इन्होंने। आप समझ लीजिए कि ये कोई भी बिजनेस करते हैं तो वो डायरेक्ट चालू नहीं करते, ये पहले बिजनेस मॉडल को देखते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले जब वॉलमार्ट को देखा जा करके, तो इन्होंने अपना बाजार करके, इन्होंने जो बिजनेस चालू किया था वो अपना बाजार से चालू किया था, एक सिंपल सा मॉल से चालू किया था, और उसको पहले चेक किया कि प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, तब इन्होंने डीमार्ट दिया और डीमार्ट के बाद लिस्टिंग किया एवेन्यू मार्ट के रूप में। और वो जो अपना बाजार करके था वो वॉलमार्ट के रूप में, वॉलमार्ट को देखते हुए बनाया था। तो जब उन्होंने देखा कि ये सक्सेस मॉडल है, तब इन्होंने धीरे धीरे करके, एक साथ इन्होंने को 160 स्टोर नहीं डाला है, इनकी जो स्टोरी है धीरे धीरे करके इन्होंने ग्रोथ की हुई है, एक जो भी स्टोर को बनाया हुआ है। तो अगर आप इसके ईयर वाइज एडिशन देखें, ये देखिए आज आज के डेट में देखिए क्लस्टर बेस्ड एक्सपेंशन, ये कहाँ कहाँ एक्सपेंशन हुआ है। तो अब 11-12 में 55 स्टोर थे, 16-17 में 131 स्टोर है, 17-18 में 155 स्टोर है, और ये किस किस कहाँ कहाँ पर अभी छा चुके हैं सो देख लीजिए। ये अब जो कलर्ड है ये उसे छाए हुए हैं। और अब देखिए 2017-18 में लगभग सब कर गए, अब यह यहाँ पे जाना बाकी है इनको, इस साइड, इस एरिया में, नॉर्थ में और इस तरफ, ईस्ट में जाना बाकी है इनको। और इनका जो मेन की प्रोडक्ट कैटेगरी है वो फूड्स में है, नॉन फूड्स FMCG में है, और जनरल एंड मर्चेंडाइज में है। तो सबसे ज़्यादा फूड्स में 53% है, और नॉन फूड FMCG सेक्टर में 19-20% है,
और आप यहाँ पे देखेंगे जनरल मर्केंडाइज में 28% है इनका जो शेयर, जो बिजनेस का पोर्शन है इनका। और अगर आप इसको और डिटेल में जाए तो एरिया देख लिया। अब ये कैसे स्टोर को चालू किया था इन्होंने, 13 में से 12 62 स्टोर था इनके पास। उसके बाद इन्होंने 14 में इन्होंने 13 स्टोर खोले, 15 में 14 खोले, 16 में 21 खोले, 17 में 21 खोले और अब 24 खोला है। तो अब इसके बाद 18 में और भी खोला है इन्होंने और 29 खोला है लगभग, तो 160 हुआ है इनका। ऑपरेटिंग फाइनेंशियल में अगर देखेंगे तो इनका तो देखिए कैसे ये जो ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल जो स्टोरी है कैसे यहाँ से अपवर्ड दिखा रही है। ये देखिए जो इसमें बिजनेस एरिया जो इन्होंने एक्वायर किया हुआ है, कैसे बिजनेस एरिया ग्रोथ किया है, एरिया जो इसका दुकान है, ये प्राय जो भी एक चीज और जान लीजिए आप, ये जो भी शॉप खोलते हैं, ओपन करते हैं, स्टोर हाउस ओपन करते हैं, 85% ये खुद के लैंड पे खोलते हैं, इनको कोई रेंट नहीं देना पड़ता है। और अगर ये रेंट लेते भी हैं तो इनका लीज टर्म्स होता है और वो 25 साल का होता है लगभग। तो ये कोई 1 2 साल के लिए लीज नहीं लेते, लेते भी तो 25 साल के लीज पे लेते हैं। और सबसे बड़ी बात है ये इन्होंने जब जब ये इन्वेस्टर थे और जब इनके पास इन्वेस्टमेंट से हर्षद मेहता वाले केस में जब इन्होंने शॉर्ट मारा था और बहुत अच्छा कमाई किया था, अच्छे खासे आने के बाद इन्होंने लैंड और लैंड को बाई किया था, रियल इस्टेट में बाई किया था। और वॉलमार्ट के विजन को उसी समय उनके पास था और उसी समय वो अलग अलग एरिया में अपने लैंड बाई किए थे और आज वहां पे वो कंस्ट्रक्शन करके खुद का स्टोर बनाए हुए हैं। तो अब तो स्टोर बन चुका है और इनका आप एसेट टर्नओवर रेशियो देख लिया 300%। तो इनको कॉस्टिंग जो आने वाली है और रेकरिंग कॉस्ट अब इनकी कम हो जाएगी, तो रेकरिंग कॉस्ट हो रही है और टर्नओवर बढ़ रहा है। तो उससे अब रेवेन्यू देखिए कैसे इनका बढ़ रहा है, 23 26 28 31 32, तो रेवेन्यू अच्छा खासा बढ़ रहा है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखिए कैसे आ रहा है, करोड़ में है ये जो रेवेन्यू आ रहा है, 15,000 4,000 6,000 8,000 11,000 15,000 करोड़। जो ईबीटा आती है, जो मार्जिन आता है, 7% 7% फिर 7% 8% 9%, ये थोड़ा आपका ईबीटा का जो कंसर्न है ये आप थोड़ा कर सकते हैं, 10% होता तो अच्छा होता, जो आगे जाके हो जाएगा। और भी ये कॉस्ट रिडक्शन, क्योंकि ये एक्चुअली बिजनेस जो करते हैं डिस्काउंट मॉडल पे करते हैं, बहुत लोग जो फेस्टिवल सीजन में डी मार्ट में डिस्काउंट देते हैं, और ये डी मार्ट में ये डेली बेसिस पे डिस्काउंट देते हैं, क्योंकि ये कैश बिजनेस पे कोशिश क्या करते हैं, ये कैश बिजनेस पे सारे सामान को लाने को और ला करके कैश बिजनेस पे उनको डिलीवर करने को। तो इस कारण से क्या होता है, इनकी जो कॉस्टिंग है कॉस्ट रिडक्शन करते हैं, तो डिस्काउंट देने के कारण प्रॉफिट पे तो इम्पैक्ट पड़ता है, बट कॉस्ट को रिड्यूस करके भी ये डिस्काउंट लेकर के, कैश डिस्काउंट वगैरह लेकर के प्रॉफिट को मेंटेन करते हैं। तो ये मैं चाहूँ, ये 9% का कोई ख़राब नहीं है, ये अच्छा है, लेकिन और ये 10% भी ऊपर की ओर जा सकता है तो कोई ख़राब नहीं रहेगा। पैट देखेंगे तो 5% आ रहा है, जो 3% था वो 5% हो गया, जो 7% था वो 9% आ गया। और नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन जो देखेंगे, जो 223 करोड़ था वो 18 में 934 करोड़ हो गया। लेकिन ये कैश रख के भी क्या करेंगे आप देखेंगे, एक्चुअली बैलेंस जब कैश पोजिशन जब फाइनेंशियल पर देखेंगे तो इसके पास कैश पोजीशन बहुत अच्छा नहीं है, जो एक कंसर्न है। अगर किसी का बिजनेस जो होता है उसमें अगर कैश नहीं है तो वह एक कंसर्न माना जाता है। तो कंसर्न तो है, लेकिन आप कैश देखेंगे इनके पास, कैश इंट्रेडिबल, तो इनके पास बहुत ज़्यादा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं रहता है, ये रखते नहीं है क्योंकि ये बिजनेस में लगा देते हैं। तो वो एक ठीक है, अब बिजनेस में चूंकि डायरेक्ट कैश बाय कर रहे हैं और डिस्काउंट दे रहे हैं, वो कोई उधारी चीज़ नहीं खरीदना चाहते हैं, तो आप देखेंगे इनके पास कैश पोजीशन, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं रहता है। तो ये बहुत लोगों का क्यूरी है कि अगर कोई बिजनेस कैश और कैश इक्विवेलेंट नहीं है तो ऐसा तो नहीं है कि ये लॉस बिजनेस कर रही है, उनको ये मालूम है कि कैश होना ज़रूरी है। लेकिन अब ये समझिए, अगर मैं डिस्काउंट ज़्यादा लेना चाहता हूँ तो कैश पेड करता हूँ तो कैश डिस्काउंट मिलता है, कैश को कम रख के बिजनेस के कॉस्ट को रिडक्शन करना, ये इनका एक थीम है, जिसके कारण ये कॉस्ट कैश रखना उतना पसंद नहीं करते। तो आप इसके इनके कैश फ्लो को भी जा करके देखेंगे, आप देखेंगे तो कैश फ्लो में भी देखेंगे कैश रखना उतना हर समय नहीं पसंद करते हैं, 30 करोड़ 31 करोड़ 35 करोड़। तो जो भी है ये क्या करते हैं अपने, या तो इधर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में डाल रहे हैं या तो जो भी ऑपरेशन से आ रहा है, 722 करोड़ देखिए ऑपरेशन से नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं,
कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इनका 207 करोड़, 425 करोड़, 448 करोड़, 728 करोड़, इन 207 से 722 करोड़ आ रहा है। अब इस आप देखिए पैसा तो आ रहा है बट इसको यूटिलाइज ये कहाँ कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो बहुत लोगों का ये कंसर्न है कि साहब ये कैश रखते नहीं, 30 करोड़ का कैश रखते हैं। एक बात बताए, अगर मेरे पास कैश है और उसको अनयूटिलाइज ढंग से रखना क्या फायदा होगा उसको? अगर मैं इसी कैश को कहीं इन्वेस्ट कर दूं, चाहे वो आप उनके पास बहुत सारे फंड्स हैं, अगर आपको याद हो तो सबसे पहले उन्होंने जिलेट आईटीसी उन्होंने रिसर्च किया था और उन्होंने अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट करके, और वो एफएमसीजी सेक्टर पे ज़्यादा बुलिश है, वो खाने पीने के सेक्टर में, इसलिए वो आईटीसी जिलेट ये सब में बाय करके अच्छा खासा पैसा बनाया हुआ उन्होंने। तो वो शेयर मार्केट का भी अच्छा खासा नॉलेज रखते हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट भी वैसे ही फंड में करते रहते हैं, लैंड में करते हैं, रियल इस्टेट में करते हैं, तो ऑपरेशन से तो प्रॉफिट आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि अगर ऑब्जेक्शन है किसी का कि सब कैश 30 करोड़ क्यों रखते हैं, अगर है उनके पास पैसा तो आना चाहिए। पैसा रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी चीज को या कैश पे मटेरियल खरीद रहे हैं, कोई क्रेडिट पे खरीदता है, कोई कैश पे खरीदता है, बट कैश डिस्काउंट मिलता है अगर आप टाइमली पेमेंट दो, या मान लीजिए किसी का 7 दिन का पेमेंट है, किसी का 1 दिन का है, एडवांस पेमेंट है, तो आपको डिस्काउंट मिलता है। तो ये बिजनेस मॉडल के कारण इनके पास कैश कैश इक्विवेलेंट नहीं। बहुत लोगों का इंक्वायरी है कि आपके पास कैश क्यों नहीं रहता है, तो रीजन ये है वो कैश रखना नहीं पसंद करते। अब एक बार अगर चार्ट पे जाएं तो देखिए, एक बार ये 1129 का लो बनाया था, ये बनाया था 23/10/2018 को। तो अभी के टाइम में ठीक है, ये वैल्यूएशन से तो थोड़ा महंगा दिख रहा है, ऐसा नहीं 1410, अगर इसकी पी मैं 16 की पी बताऊं, आज मान लीजिए जो आपकी पी यहाँ पे दिख रहा था आपको, एक मिनट इसको, अब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी अच्छा खासा इनका देख लीजिए, डेप्ट डेप्ट इक्विटी रखिए, डेप्ट ये कम से कम रखना डेप्ट पसंद करते हैं, और डेप्ट डेप्ट का इक्विटी के कंपेरिजन में डेज इन्वेंट्रीज एंड डेज पेबल, हाँ यही जो मैं आपको बताया था, डेज इन्वेंट्री डेज पेबल जो होता है, तो इन्वेंट्री जो वो डेज का रखते, कितने डेज का रखते, 30 डेज का, तो ये ठीक है, थोड़ा इन्होंने बढ़ाया, 28 दिन से 30 दिन हो गया है। और डेज पेबल, क्रेडिटर का पेबल कितने दिन का है, तो पहले 10 दिन का था, मैं आपको बता रहा था कि ये कैश डिस्काउंट पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, तो पहले जो डेज पेबल था इनका क्रेडिटर्स को पेबल था 10 दिन का था, अभी देखिए 8.8 डेज का था, अब उन्होंने 8.4 डेज कर दिया है, तो कैश तो इनके पास रहेगा नहीं। अगर ये क्रेडिट बढ़ाएंगे, अगर आप इस 10 दिन को आप 90 दिन भी कर सकते हैं, कैश रखिए और 90 डेज कर दीजिए, तो आपको वो पेबल नहीं मिलेगा। तो ये कैश पेबल जो ये हम बता रहे हैं ना, ये एक बहुत बड़ा अच्छी चीज़ है, आपको यहाँ से समझ में आएगा कैश क्यों नहीं रखते हो, एक रीजन है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ आप और कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे, तो जो आपने नेटवर्थ देख रहे हैं 18% 27% के बाद थोड़ा सा एसेट उन्होंने ज़्यादा इन्वॉल्व किया, कैपिटल एम्प्लॉयड 23% है, चलिए कोई भी नहीं, 20% प्लस है तो अच्छा है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के 20% आता है, आप इसके लिए ये चीज़ मत कीजिए, कोई इशू नहीं है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, तो अब इन्वेंट्री टर्नओवर फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो देख लीजिए, 14 में 15 था, अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो देख लीजिए, अब ये कितने दिन की यहाँ पे इन्वेंट्री मेंटेन कर रहे हैं, ये 14 दिन की इन्वेंट्री मेंटेन कर रहे हैं। तो टर्नओवर जो मिल रहा है एवरेज ये 15 डेज का 14 डेज का इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं, ये भी एक अच्छा चीज़ है। अब इनका ईपीएस अगर आप देख लेंगे यहाँ पे, अगर ये बोरोइंग है, बोरोइंग रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो चलिए इसको यहाँ से हटाते हैं, अभी डीमार्ट आपने देख ही लिया इसका, तो रिटेलर, हाँ ये पीयर्स का कंपैरिजन देखेंगे ईपीएस बेस्ड पे, तो ईपीएस बेस्ड पे देखेंगे तो इसका देखिए 14 का ईपीएस है ऑलरेडी, ये लास्ट ईयर का था, उस बेस पे ये 1400 का वैल्यूएशन है, तो थोड़ा कॉस्टली है। अगर 70 के पी देखिए, इंडस्ट्री पी 138 है, तो 138 के आधार पे करेंगे तो इंटू अगर आप करेंगे 14, तो इसकी 1932 आना चाहिए इंडस्ट्री पी पे, लेकिन लोग उतना फिट नहीं मानते, बोलते इंडस्ट्री पी 70 ठीक है। चलिए वी-मार्ट रिटेल जो है उसके आधार पे देखेंगे, वी-मार्ट जो ऊपर है उसके आधार पे अगर 40 से डिवाइड करेंगे तो आपको 5960 का आता है, तो ये 70 का भी आप ये 60-70 मानिए,
तो यहाँ से आपको मानेंगे थोड़ा सा आपको कॉस्टली लगेगा, 60 इंटू ऑलरेडी 14 का ईपीएस है और 4 18, और ये सीजीआर आपको मान के चलिए 15 से 20% तक का ग्रोथ होगा इसमें सीएजीआर। तो अगर 14 भी है तो आपका 14 का अगर सीजीआर करें और 2 साल में करें तो लगभग ये आपको 20 के आसपास पहुंच जाएगा। तो 20 इंटू 90 का भी आप अगर आप लेते हैं कैपिटल इनका, तो 1800 के आसपास का रेट आता है। 80 इंडस्ट्री के 80 मल्टीपल से करते हैं और आप इसके 20 के 2 साल का अगर अगर रखते हैं सीएजीआर 20% के आधार पर रखते हैं, तो ये आपका जो हो जाएगा 20 का ईपीएस, 2021 का ईपीएस हो जाएगा। और 90 का भी अगर इंडस्ट्री ग्रोथ रखते हैं तो 20 इंटू 90 करेंगे तो आपको 1890 से 1900 का आता है। तो ये 1900 का रेट आपको यहाँ से मिल जाएगा। और 500 रुपये का अगर ग्रोथ दिखता है आपको 1400 से, तो आपको 36% का रिटर्न है। और इसमें कहीं पैसा जाने को नहीं है। एक होता है ना जिसमें कि अच्छा बिजनेस होता है, जैसे मॉडल अच्छा होता है, बिजनेस अच्छा होता है, आप यहाँ कंपेरेटिव भी देख सकते हैं, तो ये कोई खास कॉस्टली भी नहीं है। आप ये इसको ईपीएस बेस पे देख रहे हैं, आप इसको चाहे तो मार्केट कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया पे भी देख सकते हैं। तो एक मिनट के आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन में दिखाते हैं, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन पे भी देखें तो यहाँ पे ये एवेन्यू सुपरमार्ट जो आता है सबसे ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन 87 का आज की कॉस्टली दिख रहा है आपको, और वहाँ पे आपको 1406 रुपये पे मिल रहा है। तो कि मार्केट कैपिटल पे एवेन्यू सुपरमार्ट सबसे ज़्यादा आपको आज के डेट में मार्केट कैपिटलाइजेशन में सबसे टॉप पे ही आपको मिल रहा है। तो ये था डीमार्ट के बारे में। तो डीमार्ट में मेरा अपना एडवाइस है कि इसको बाई करें और लोअर, चूंकि देखिए एक बार ये 1200 के आसपास आपको दिखा सकता है, वापस ये 1200 के अपने को टच करेगा 1200 के, तो बेस्ट बाइंग रहेगी इसको बाई करने के लिए वहाँ पे। अभी आप ये सोचिएगा कि ये बहुत नीचे चला जाएगा तो मुझे, मेरे अंदाज से ये बहुत नीचे तो नहीं जाएगा। आप इसका एक देख लीजिए, जो इसका एवरेज आ रहा है 1371 का आ रहा है और अपर साइड 1512 जा रहा है और 1234 का लो साइड है। तो एक बार ये 1229 जो आप देख रहे हैं लोअर साइड में 1229 का है, हो सकता है ये एक बार आपको 1229 आगे जा करके दिखाए, एक बार दिखाए। अभी इसमें बाइंग सिग्नल है, बाई कर सकते हैं पोजिशनल बेसिस पे। इसमें आपको कोई, आप एस आई पी टाइप से बाई कीजिए, 2 साल के लिए बाई कीजिए, आपको 35 से 40% रिटर्न आराम से आपको देखने को मिलेगा। कैलकुलेशन बता ही दिया और ये भी बता दिया कि धवानी जी रिचेस्ट पर्सन है, फोर्ब्स में बता दिया कि 8 पोजिशन पे अभी आ चुके हैं 12वें पोजिशन से इंडिया में। तो अब इतना चीज़ इनके बारे में जाने, ये ऐसे पैसा लगाते नहीं है, ऐसे बेमतलब का पैसा कहीं लगाते नहीं है। इनका 1200 रुपये का, और ये देखें रिसेंट, आपको ये भी बता दो ये बहुत पुरानी ये नहीं है, लिस्टिंग नहीं है ये, आपको 21 मार्च 2017 को लिस्टिंग हुई है और ये 600 रुपये पे ओपन कुछ हुआ था, 600 रुपये पे ओपन हुआ था कुछ, और 641 की क्लोजिंग। ऊपर देखिए, ऊपर देखिए 600 पे ओपन हुआ है, हाई गया था 648 और वहाँ से जो एक अप ट्रेंड इसने लिया है, कंटिन्यू अप ट्रेंड बनाया है। तो ये एक इसका जो है यहाँ पे 1100 1100 के आसपास, तो उससे ऊपर 1129 यहाँ पे आपको एक इसका बहुत बड़ा अच्छा सपोर्ट लेवल है, इसको तोड़ेगा नहीं ये। तो आप 1100 के सपोर्ट लेवल से अगर चाहें तो रिस्क नीचे 300 का ही है सिर्फ, और आपको हो सकता है कि रिसेंटली ये आपको वापस ये यहाँ पे 1335 एक बार आपको दिखा दे, तो 1335 आपको दिखा सकता है, या युग है आपकी इसको जो फॉल हुआ है 1700 से फॉल हुआ है, तो रिट्रेसमेंट मेथड से इसको अगर एक बार देखें हम, अगर इसको एक बार हम यहाँ से रिट्रेसमेंट मेथड से भी देख लें तो आपको 1131 12, अभी आपको जो 1400 ये चल रहा है तो ये 1557 तो जाने का दम रखता ही रखता है, और ये एकदम अच्छे से 61% पे जाकर के यहाँ से अब नीचे के 50 में, तो 1338 आपको एक बार तो श्योर शॉट मिल जाएगा यहाँ से। तो 1330 1338 पे आप अच्छी बाइंग कर सकते हैं, और 1269 में भी आपको शायद एक बार आपको देखने को मिल जाए। तो 1269 भी मिल सकता है, 1338 भी मिल सकता है, और आपको अच्छे खासे यहाँ से 1900 से 2000 रुपये आपको आराम से देखने को मिल सकता है। तो आप अगर लॉन्ग टर्म कोई भी बाइंग करना चाहते हैं डी मार्ट एवेन्यू सुपर मार्ट पे, एवेन्यू सुपर मार्ट पे तो आप बाइंग कर सकते हैं। एक अच्छी कंपनी है, राधा कृष्ण धमानी जी की कंपनी है, और आप जाकर के डिटेल में और कुछ कंपनी के इन्फॉर्मेशन को चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। राधा कृष्ण धमानी चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर हैं,
रामाकांत भक्ति जी इसके होल टाइम डायरेक्टर श्री गुरु हैं, और आप डिटेल यहाँ पे हैं तो आप देखेंगे ये महाराष्ट्र मुंबई की इनका जो है रजिस्टर्ड ऑफिस है, और दोनों ही रजिस्टर्ड ऑफिस भी यहीं पे है। ये इनका जो dmartindia.com के इनका वेबसाइट है, आप वहाँ पे जाकर के इसको वो लॉगिन चेक कर सकते हैं। ये किस किस चीज़ में कैटेगरी में स्टोर कैटेगरी की क्या क्या चीज़ में, ग्रोसरी में, डेली सेंस में, होम पर्सनली, ये सब बता ही दिया आपको। तो ये एक राधा कृष्ण धमानी जी की एक अच्छी खासी स्टोरी है, इसमें आप चाहें तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हैं। इनका एक्शन केयर और ट्रूथ देखेंगे क्या इनका है, और ये कहाँ कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, गुजरात में, तेलंगाना में, तेलंगाना में कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में कहाँ है, कर्नाटका में कहाँ, छत्तीसगढ़ में कहाँ, NCR में कहाँ है, तमिलनाडु में कहाँ है, ये भी डिटेल 160 रिटेल स्टोर के साथ है। तो एक अच्छी खासी स्टोरी है ये, और इसमें बाइंग पोजीशन आपको रखनी चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए। मल्टीबैगर इन द सेंस ये अगर 40% का रिटर्न को देता है तो आप उसको जो नाम देना चाहते हैं दीजिए। मेरा ये लॉन्ग टर्म पोजिशनल बेसिस पे इन्वेस्टमेंट का इस पर कॉल रहेगा, और इसको एक साथ नहीं खरीदना आपको, यहाँ से आपको नीचे जा सकता है, ये आपको बता ही दिया, आपको बताया जैसे कि वहाँ पे चार्ट पे बताया आपको कि ये 1338 दिखाएगा ही दिखाएगा, 1338 जाना ही है 1340। अब वहाँ बाय करें या यहाँ पे भी बाय करें, आप थोड़ा थोड़ा एक्यूमलेट करें हर महीने इसको बाय करें, और यहाँ से 2000 के टारगेट के लिए आप 2 साल के अंदर 2000 का टारगेट, आपको 2 साल के अंदर उस प्लस ही रहेगा, 2000 प्लस ही रहेगा, क्योंकि जिस तरह से आप ये रिटेल में सप्लाई चेन मॉडल है इनका, अगर ये ऐसे एक्सपेंशन करते रहे तो ये अच्छे खासे बिजनेस, आप समझिए आज जो इनका रिटर्न है रिलायंस के स्टोर से ज़्यादा, इतने 160 रिटेल स्टोर में जो रिटर्न है इनका वो रिलायंस के 1600 रिटर्न स्टोर के बराबर है। वो अर्निंग कर पा रहे हैं जो सिर्फ ये 160 रिटेल स्टोर में कर रहे हैं, तो रिलायंस के रिटेल स्टोर को भी बीट इन्होंने ऑलरेडी 160 स्टोर में कर चुके हैं। तो समझिए यार 1600 पहुंचेंगे तो कितना अच्छा खासा इनको ग्रोथ होगा। तो ये मार्केट के वैल्यू एडिशन को जानते हैं, ये मार्केट में कैपिटल यूटिलाइजेशन को जानते हैं। आप देख रहे हैं लोगों का ये मानना है कि कैश नहीं रखते, लेकिन कैश रख के क्या करेंगे, जिसको कैपिटल यूटिलाइजेशन मालूम है वो क्यों कैश रखेंगे। आप देख ही लिया उसका कि जो पेबल है 10 दिन से वो 8 दिन पे लेके आ गया, तो एक बहुत ही अच्छा स्क्रिप्ट लगता है। एवेन्यू सुपर मार्ट में आप पोजिशन बना सकते हैं, फिर भी लॉन्ग टर्म के लिए बना सकते हैं। ये सारे एजुकेशन पर्पज से था। अगर आपको कोई भी पोजिशन बनानी हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी एक बार डिस्कस कर लें, अच्छा रहेगा। और एक बहुत ही अच्छा स्क्रिप्ट है, इसमें वेल्थ नहीं जाएगा। आप किसी स्क्रिप्ट को लेकर के वेल्थ लॉस कर दिए, चाहे वो PC ज्वेलर हो, चाहे इन्फीबीम हो, ऐसे ज्वेलर्स में जाकर के आपने लॉस किया हुआ है, वो ऐसा इसमें देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि ये जो बिजनेस जो पर्सन है राधा कृष्ण धमानी जी, ये खुद ही उस मार्केट से बिलोंग करते हैं, और उनको झुंझुनवाला जी, राकेश झुंझुनवाला जी भी अपना गुरु मानते हैं। तो समझिए कि अगर मार्केट के डॉन एक दूसरे को गुरु मानने वाले राधा कृष्ण धमानी जी को गुरु मानते हैं, तो आप उनके बिजनेस में अगर पैसा डाल रहे हो तो कितना अच्छा बिजनेस है। एक छोटी सी आप लोग के लिए फाइनेंशियल जानकारी थी, और केवल मैंने आपको मार्च का प्रॉफिट रिजल्ट नहीं दिखाया, फाइनेंशियल नहीं दिखाया, वो आपको दिखा देता हूँ। एक बार मार्च में जो इन्होंने डिक्लेयर किया है वो ऑलरेडी वहाँ पे EBITDA रूप में दिखाई दिया था, फिर भी एक बार क्वार्टरली रिजल्ट आपको दिखा दूँ मार्च का। तो अब मार्च में आप देखेंगे इसका जो क्वार्टरली सेल्स है, जो कि इनका आप 4000 करोड़ था, वो 4800 करोड़ पर हो गया, 300 करोड़ का बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अगर 3500 से 4800 करोड़ बढ़ा है, 1300 करोड़ बढ़ा है, और प्रॉफिट जो आप देखेंगे 282 करोड़ था, 345 करोड़ पे प्रॉफिट आया है। और अगर EPS देखें तो आप देखिए ये 2 क्वार्टर में ही 4.37 7.63 हो चुका है, मैं यही बता रहा था, ऑलरेडी 7 क्रॉस कर चुके हैं। और मैं अगर इसी तरह कंटिन्यू करूँ पूरा इसका भी डबल कर दूँ, तो ये 8 है तो इसका 16 हो गया। तो इस साल का जो EPS आएगा आपको 16 देखने को मिलेगा, जो कि आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जब आप जाते हैं, ईयरली बेसिस पे जाते हैं, तो आपको वहाँ लास्ट ईयर 12 था, तो आपको ऑलरेडी यह देखिए 12 है, तो अब इस बार 16 आपको देखने को मिलेगा। और इसी से वापस आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपको 20-22 भी देखने को मिलेगा, और 90 के पी से आप कर लीजिए तो 1900 से 2000 तो श्योर मिलेगा। 2 साल नहीं, हो सकता दो आपको उससे पहले मिल जाए देखने को, लेकिन आप 2 साल के लिए कीजिए, 3 साल के लिए कीजिए, 36-40% रिटर्न आपको मिल जाएगा यहाँ से। और ये अच्छा चेन मॉडल जानते हैं, ये बिजनेस मॉडल को जानते हैं, ये डीमार्ट को चेक किया पहले, उसके बाद अपना बाजार जैसा एक छोटा सा स्टॉल डाला, उसके बाद इन्होंने अपनी बिजनेस को चालू किया था। ये आप चाहें तो इनके बारे में डिटेल और भी ज्ञान नॉलेज अर्जित कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।